Hope you guys all are fine. As you know, I'm here to share my travel experiences with you, and in this video I will share my winter snow track experience. Guys, this one is my first winter snow track and I'm totally excited and a little bit nervous too, because I feel so much cold and I don't know how I will deal with it, but I have to do it. So guys, without wasting any time, let's get started. पहुंच गई हूँ। भी हमने एक ओयो में रूम बुक किया है 3-4 घंटे की नींद लेने के लिए। सो आगे फिर हम निकलेंगे कल सुबह संकरी के लिए। तब तक हम सोते हैं। टाटा बाय बाय। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं देहरादून से संकरी के लिए। काफ़ी लेट हो गए हैं, पहले जल्दी पहुंच गए थे और अब लेट हो गए हैं। सो गाइस, फाइनली हम सांगरी पहुंच गए हैं आफ्टर 10 आवर लॉन्ग ड्राइव। और यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क, व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट हम एक कॉल करके किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते कि हम ठीक है और हम पहुँच गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने दो कैप लगाई है। यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ही ज्यादा, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं। आई डोंट नो ऊपर जाके क्या होने वाला है मेरे साथ, बट क्या करें, अब पंगा मोल ले लिया है तो करना तो पड़ेगा ना। और हम जिस होटल में आए हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ है। 135 लोग आए हैं केदारगढ़ ठगर ट्रैक करने के लिए और हमारे ग्रुप में 25 लोग हैं। सो इट विल बी अ ग्रेट एडवेंचर। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज गए हैं और हमें उठा दिया गया है चाय और गर्म पानी के लिए। अब चाय और गर्म पानी पीने के बाद फिर हमारा ट्रैक शुरू होगा। हम तैयार हो गए हैं ट्रैक पे जाने के लिए। ये सारा सामान हम रूम में देने वाले हैं। कैसा महसूस हो रहा है? हमारी पट रही है लिटरली। चलिए, हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है और मज़ा आने वाला है। बट हम इतने सामान से लग गए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हम चलेंगे कैसे। सीरियसली यार, सूरज एकदम तन के खड़ा हुआ है। अरे बैच लगा दिया है, अगर मैं खो गई आपका नाम क्या? तो इस बैच से मुझे ढूंढेंगे। तो जय शिव शंकर, हमने स्टार्ट कर दी है अपनी जर्नी।
काफी सारे पॉइंट मिलेंगे। अभी हमने मैगी खाई और अंडे। मैगी पहाड़ों के अंदर मैगी जो है ना अमृत लगती है। मैगी से अच्छी कोई चीज नहीं है पहाड़ों के अंदर। पता है एक अंडा कितने का था? 30 रुपीज। एंड मैगी 50 रुपीज। मैगी ओनली 50 रुपीज। मुझे लगा था कि इस ट्रैक की शुरुआत ही स्नो से होगी, बट अभी तक कोई स्नो नहीं मिली थी। नाउ वी कैन फाइंड द लिटिल स्नो हियर। Forgot something to tell you. First, I'm going to Jura Talab. Hey, Sankri to Jura ka Talab. After that, we will move forward to the Kedarkanta base camp. Then, Kedarkanta summit. का तालाब 2-2.5 किलोमीटर दूर और है। हम एक लोकेशन पे पहुँचे हैं फिर से। बहुत सारे खाने के पॉइंट है यार, खाने की कोई कमी नहीं है अभी तक। आई थिंक स्नो ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से काफ़ी सारी स्नो दिख रही है, मज़ा आने वाला है अब। सो फाइनली आई एम एट जूड़ा का तालाब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ट्रैक। सी इट्स लुकिंग लवली।